हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर की जिसमें डी मर्जर की न्यूज़ आ रही है और उसका फ़ायदा सीधे शेयर होल्डर को मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको जितने आपके पास शेयर है और बढ़ते हुए आपके शेयर मिलेंगे। कंपनी अगर डी मर्ज करती है तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ शेयर देती है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, उस वीडियो पर आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाते रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर आपको सीधे ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। और नीचे अभी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, 40% तक के रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, पैसा कमाने का काफ़ी अच्छे मौके हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं तो बता दूँ, अच्छा खासा यहाँ पर आज के दिन में आप देख सकते हैं, न्यूज़ आई तो भागा, फिर उसके बाद गिरा, फिर भागा, फिर गिरा। मार्केट मतलब जिस तरीके से वॉलेटाइल है, ये शेयर भी उसी तरीके से वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया। एक साल की बात करें तो शेयर काफ़ी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस दे चुका है, अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है और काफ़ी टाइम से आप कंसोलिडेशन मोड पे भी है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए, 4 रुपये का शेयर था और आज के दिन की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास ये शेयर जाके आ चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये शेयर लेने से पहले एक चीज को हमेशा याद रखना कि इस शेयर में गिरावट भी अच्छी खासी होती है और बढ़ता भी अच्छा खासा है। बट लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख के हमें लग रहा है कि कंपनी अच्छी खासी है। और अगर बात करें, कंपनी पिछले 5 साल से एक ही कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है, मतलब गिरावट भी इस कंपनी में कंसिस्टेंसली होती रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी कंपनी अच्छी लग रही है। अगर बात करें कंपनी के और भी पैरामीटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लिए 52 वीक लो, 463 रुपीज़ का शेयर था। 52 वीक हाई की बात करें तो 1023 रुपीज़ तक, ये जैन तक, अभी जैन में 25 जैन को गया था और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ मिला। और आज के दिन की बात करें तो लगभग 1570,000 शेयर के आसपास यहाँ पर उठाते हुए हमें दिखाई दिया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, 51% के शेयर, 52% के शेयर प्रमोटर्स का, बाकी FISDIS के पास यहाँ पर अच्छे खासे शेयर है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी देती हुई हमें कंसिस्टेंटली नजर आती है, 2020 में 3 बार डिविडेंड आपको दिया है इस कंपनी ने। और अगर बात करें कि प्लेजिंग है तो हाँ, इस कंपनी में आई थिंक प्लेजिंग है 9.27% की, 25% या उससे ज़्यादा होती है तो एक बार हम सोचते हैं कि कंपनी के कुछ गलत हो सकता है, बट 25 से कम है तो इसलिए हम थोड़ा इसमें बिलीव करके सकते हैं और कंपनी कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस करते हुए भी दिखाई देती है। कंपनी किस फील्ड में काम करती है तो कंपनी का नाम आप जानते होंगे, कंपनी का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा ओके, या फार्मा कंपनी है। तो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ आपके सामने है, ऑरोबिंदो फार्मा इज बोर्ड टू कंसीडर डी मर्जर ऑफ इट्स इंजेक्टेबल बिजनेस सून। तो इंजेक्टेबल बिजनेस क्या होता है, तो इंजेक्टेबल बिजनेस वो होता है जो इंजेक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे कि आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो इंजेक्शन से होता है, या फिर और भी कुछ आप जैसे कुछ भी इंजेक्शन से रिलेटेड जो इनका बिजनेस है उसे बिल्कुल डीमर्ज कर रहे हैं। और डीमर्ज करेंगे तो क्या होगा कि इनका जो बिजनेस है, जो अभी रिसेंट बिजनेस है और इंजेक्ट बिजनेस है, उन्हें बिल्कुल अलग कर देंगे। और अलग कर देंगे तो कुछ देखिए, इनके जो पर्टिकुलर शेयर्स हैं, दोनों के एड ऑन शेयर हैं, और जब डीमर्ज करेंगे तो कुछ शेयर इधर इस पार्ट में चले जाएंगे, कुछ शेयर इस पार्ट में चले जाएंगे। तो डीमर्ज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जब वैल्यू कम होगी तो आपको यहां पर ये कुछ एक्स्ट्रा शेयर आपको देते हुए मिलेंगे, एज अ बोनस आप कह सकते हैं, या एज अ स्प्लिट आप कह सकते हैं, मतलब स्प्लिट और बोनस नहीं कहेंगे, हाँ उसी फेस वैल्यू पर आपको वो मतलब शेयर बढ़ाते हुए आपको दे सकते हैं। तो ये इसका बिजनेस है। अगर बात करें क्यों किया जा रहा है, तो आपको यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज, पोस्ट द डीमर्जर ऑफ द इंजेक्टेबल बिजनेस अरविंदो फार्मा विल फोकस ऑन द बायोसिमिलर बिजनेस, मतलब इनका जो दूसरा बिजनेस है फार्मा का उसकी तरफ ये ध्यान देंगे। और इसके अलावा और भी चीजें अगर हम देखते हैं, यहां पर इनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहां पर CNBC आवाज पे आज के दिन बताया है कि बस बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत है, इसके बाद ये यहां पर डीमर्जर का प्रोसेस यहां पर चालू हो जाएगा। और इसके लिए इन्होंने बैंकर्स वगैरह से बात भी ऑलरेडी कर रखी है, और ये डी मर्जर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में
यहाँ पर एंड होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये लंबे लॉन्ग टर्म बैट की बात है, बट कंपनी जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है ना तो पहले ही मार्केट आगे चलती है, तो उससे पहले ही यहाँ पर शेयर में एलोकेशन होती हुई दिखाई देगी और शेयर भागता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें मैनेजमेंट है सैड इनिशियल टॉक्स वगैरह, देखिए इन्वेस्टर से भी उन्होंने बात करनी चालू कर दी है। और अगर बात करें हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू क्वेरी, अगर यहाँ पर आप देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीमर्जर, जो डीमर्जर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके रीजन से ये डीमर्जर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बाइंग यहाँ पर मतलब वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, जो आप और मैं होते हैं शेयर होल्डर्स उनके लिए, ताकि क्यों, क्योंकि इनका जो 1/5 ऑफ द बिजनेस है, अगर बात करें 20% जो इनका बिजनेस है वो इंजेक्टेबल बिजनेस से आता है, और वो कहाँ से आता है, US से। तो अगर बात करें यहाँ पर अगर ये इंजेक्टेबल बिजनेस को अलग कर देंगे तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इनका जो इंजेक्ट बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। और इन्होंने टारगेट क्या रख रखा है, 650 से 700 मिलियन डॉलर का इन्होंने 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर टारगेट रख रखा है। तो इस बात को भी यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नज़र आएगी, तो शायद अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर ये प्लांट भी सेटअप करने वाले US में एज वेल एज इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनका जो इंजेक्टेबल बिजनेस का जो PE चल रहा है, दूसरे जो मतलब अगर बात करें दूसरी कंपनी है उनका PE है 25-30 और इसका PE आपको बड़े कम पे मिल रहा है 14 पे, तो इसलिए ये यहाँ पर अलग डीमर्जर करते हुए नज़र आए हैं। और इसके अलावा ये फोकस करेंगे बायोसिमिलर बिजनेस जो कि इनका ऑलरेडी जो चल रहा है। तो इसके बाद इसका फ़ायदा किसे होगा, इसका फ़ायदा होगा सीधे शेयर होल्डर को, उन्हें कुछ शेयर मिलते हुए नज़र आएंगे। और एज वेल एज बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैपिटल 53,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, और यहाँ पर ROCE देख लिए 16 की ROCE पे है। प्लेजिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज भी है अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पर हैज़ रिड्यूस डेट को यहाँ कंपनी कम कर रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे, लगभग 3711 करोड़ रुपए के यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए कंपनी का बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयरली बेसिस पे ही बात करें तो सेल्स देखिए 2749 करोड़ की सेल्स आज से 10 साल के अंदर अंदर 15,000 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है। प्रॉफिट भी 129 करोड़ का प्रॉफिट 2982 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स भी देख सकते हैं यहाँ पर आप, लगभग 14,000 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी का बोरिंग है जो कि घटते हुए मैनर में हमें नज़र आ रही है। और बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2948 करोड़ का यहाँ पर इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है। और बात करें यहाँ पर कंपनी देखिए डेट अपना डेट तो मतलब रिड्यूस कर ही रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। और कैश इक्विवेलेंट की बात करें 533 करोड़ रुपए का इनके पास कैश इनफ्लो भी है, इनफ्लोज भी अच्छा खासा है इनके पास। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 52% होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। FIIs देखिए हिस्सा अपना हर क्वार्टर में बढ़ाते जा रहे हैं और 25% की हिस्सेदारी है। DIIs की बात करें 12% की, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 10% की हिस्सेदारी हमें साफ नज़र आ रही है। तो देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खासी है, एक बार डीमर्ज कर देगी और अगर वैल्यू लॉकिंग हो गई इन्वेस्टर्स के लिए तो शायद आपको शेयर्स बढ़ते हुए भी मिलेंगे। और आपको अगर बात करें तो अच्छा खासा ये शेयर उसके बाद भागता हुआ भी नज़र आए। तो हमेशा याद रखना इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ओके खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेजिंग भी है इसमें 10% की, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।